वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं टाटा अल्ट्रोस के बेस वेरिएंट XE को टाटा अल्ट्रोस के सेकंड बेस वेरिएंट XM के साथ में, और आपको बताएंगे इन दोनों ही कार्स के बीच में आपको कितने प्राइस का और फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें दोनों के प्राइस की, तो टाटा अल्ट्रोस के XE वेरिएंट का एक्सशोरूम कॉस्ट आपको 5,84,900 रुपीस का मिलता है, वहीं XM वेरिएंट का एक्सशोरूम कॉस्ट आपको 6,49,900 रुपीस का दिया गया है। दोनों में डिफरेंस आपको 65,000 रुपीस का एक्सशोरूम कॉस्ट पर मिल जाता है। फीचर्स के बीच डिफरेंस देखें तो सबसे पहला डिफरेंस आपको मिलता है म्यूजिक सिस्टम का, जहां पर XM वेरिएंट के अंदर आपको 8.89 सेंटीमीटर का मैनुअल टाइप हरमन का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि AM/FM या USB और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल जाता है। जबकि XE वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया, जबकि XM वेरिएंट के अंदर आपको दो स्पीकर भी मिल जाते हैं, XE वेरिएंट के अंदर आपको कोई स्पीकर नहीं दिया जाता। इसके अलावा दोस्तों व्हील कवर की बात की जाए तो XM वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो हाफ व्हील कवर दिया गया है, जो कि XE वेरिएंट के अंदर आपको व्हील कवर नहीं मिलता, यहाँ पे आपको व्हील हब प्रोवाइड किया जाता है। रियर में पार्शियल ट्रे आपको XM वेरिएंट के अंदर दी गई है, XE वेरिएंट के अंदर आपको रियर पार्शियल ट्रे भी नहीं मिल पाती। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग का जो सॉकेट है वो भी आपको XM वेरिएंट के अंदर अब दे दिया गया है, पहले ये नहीं आता था, और XE वेरिएंट के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का USB सॉकेट अभी भी नहीं मिलता है। बात की जाए अगर पावर विंडोज की, तो XM वेरिएंट के अंदर आपको ऑल फोर डोर यानी कि चारों पावर विंडो दी गई हैं, जबकि XE वेरिएंट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फ्रंट टू पावर विंडो मिलती है, रियर में आपको मैनुअल विंडो ऑपरेशन ही मिल जाता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर की बात की जाए तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको XM वेरिएंट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ दिए गए हैं, जबकि XE वेरिएंट के अंदर आपको इनको एडजस्ट मैनुअल ही करना होगा। इससे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको मूड लाइट भी मिलती थी ड्राइवर साइड फुटवेल पर, वो अब नए अपडेट के अंदर हटा दी गई है। अब मूड लाइट आपको XM प्लस वेरिएंट से मिलती है, XM वेरिएंट से नहीं मिलती, तो मूड लाइट पहले मिला करती थी अब वो नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेडियो एंटीना दिया जाएगा, जो कि XM वेरिएंट के अंदर मिलेगा, XE वेरिएंट के अंदर आपको नहीं दिया गया। तो यही कुछ डिफरेंसेस थे, इसके लिए कंपनी आपसे जो है वो 65,000 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट पर चार्ज करती है। इसके अलावा बाकी सभी फीचर्स जो हैं वो आपको दोनों ही कार्स के अंदर सिमिलर ही दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको इन दोनों ही कार्स के बीच का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।